सारे स्टॉक्स जबरदस्त एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। बताएं बसंत साहब, आप फ्रेश पिक्स। तो पहला बात अगर देखिए सर, एनबीएफसीज आर इन अ वेरी स्वीट स्पॉट, और जैसे आपको छोटे माइक्रो फाइनेंस अकाउंट की रिकवरी स्ट्रांग है, मुझे यहाँ ब्रांड पे बहुत फेथ है, एलएनटी फाइनेंस। आई थिंक दे हैव गॉन थ्रू ऑल द ट्रबल्स, बट नाउ देयर कॉस्ट ऑफ मनी इज द लोएस्ट, और उनकी जो रीच है दैट इज गोइंग टू डू वेरी वेल इन महाराष्ट्र। 80 रुपए का भाव है, स्टॉप लॉस रखिए 77-75, ये 85.5 तक जाएगा। तो मुझे एलएनटी फाइनेंस यहाँ ब्रेकआउट दिखता है। दूसरा मेरा फेवरेट जो रियल इस्टेट में आउट परफॉर्म करेगा, डीएलएफ, ये मौका है 396-396.50 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 388, टारगेट ऑफ 415, विच आई थिंक कैन कम वेरी वेरी फास्ट। तो एलएनटी फाइनेंस ये खरीदना है 86.50 रुपए के टारगेट के लिए, और डीएलएफ खरीदना है आपको दूसरा स्टॉक जहां पर आप तेजी करके चलें। ये राय है बसिन साहब की तरफ से, 388 का स्टॉप लॉस, 415 का टारगेट, ये आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर ये दो बेहतरीन पिक्स देने के लिए। कल सुबह आपसे होगी फिर मुलाकात, लेंगे कुछ और बेहतरीन पिक्स भी आपके लिए। ये है वो सारे स्टॉक्स जो भरपूर एक्शन में आते हैं। थोड़ा करें, लेकिन मार्केट का मोमेंटम इतना स्ट्रांग है, तो पता नहीं। बैंक निफ्टी तो देखिए 2,500 पॉइंट बढ़ गया, 35,000 पे आपको कहा था, 37,500 हो गया। बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है, और ये जो यूएस में यील्ड्स बढ़े हैं, दिस इज रबिंग ऑफ पॉजिटिवली ऑन बैंकिंग स्टॉक्स, बिकॉज रिजल्ट्स विल बी वेरी गुड। क्रेडिट ग्रोथ के जो नंबर्स आ रहे हैं वो बहुत स्ट्रांग आ रहे हैं। अपडेट दे दूं, कल आपको टाटा पावर 22 रुपए में कहा था, 28.5 का टारगेट था, कल ही हिट हो गया। और दूसरा भाई था मेरा भारती, तो अब मैं भारती में रीट्रेड करता हूं। जो इनका पेमेंट बैंक का हो गया है, शेड्यूल बैंक की लाइसेंस आ गई है, और जो इन्होंने अपनी ऑप्टिक फाइबर को मर्ज किया है, भारती इज अ नो ब्रेनर, इट बिकम द मोस्ट कंप्लीट सॉल्यूशन, जैसे आपका जियो है। और मुझे कोई दो राय नहीं कि भारती इस साल में तो 900 रुपए जाएगा। तो ये 97-98 में कल आपको दिया था, 97-681 का स्टॉप लॉस है, 720 का पहला टारगेट, 735 का दूसरा टारगेट, ये मेरे कल की कॉल्स है। आपको कोल इंडिया शॉर्ट दिया था, वो 54 रुपए का भाव ही है, अगर आपने उसके अगेंस्ट फेयर किया है तो आप उसके जो भी प्रॉफिट लॉस है वो भाव भाव है, तो आप निकल लिए, नहीं तो भारती के अगेंस्ट शॉर्ट रखने की अभी भी मैं कायम रखूंगा, मार्केट इज वॉलेटाइल। अब आपके लिए दो बाय कॉल्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। बताएं सर। पहला बाय है सर जिंदल स्टील, 393 में लीजिए, 93-93.50, 386 का स्टॉप लॉस, 405-407 का टारगेट। आई थिंक मेटल्स आर इन स्वीट स्पॉट, जिंदल स्टील विल लीड। दूसरा भाई अगेन सीमेंट में मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, और सबसे बढ़िया शेयर यहाँ जो आपका नॉर्थ रीजन में आएगा वो डालमिया भारत है, 1900 रुपए का भाव है, 1860 का स्टॉप लॉस है, 1975 का टारगेट। डालमिया भारत के नंबर्स और उसके मार्जिन आर वन ऑफ द हाइस्ट इन द इंडस्ट्री, तो मुझे कोई दो राय नहीं, डालमिया भारत इज गोइंग टू बी एन आउट परफॉर्मर। Okay, तो दो कॉल्स आपके लिए, दालमिया भारत 1975 का टारगेट, 1860 का स्टॉप लॉस, इस पर करें खरीदारी, और जेएसपीएल 386 का स्टॉप लॉस, 405-407 के टारगेट से लिए। दो बेहतरीन कॉल्स मशीन साहब की तरफ से, जहां पर रखनी है नजर। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल्स भी शेयर कर। 882 पे थोड़ी सी आपको एक बारी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, बट 18-18-200 का टारगेट अब आप क्लियरली दिख रहा है, और जो लेफ्ट आउट फीलिंग है, फॉरनर्स है, दे हैव सोल्ड, नाउ दे विल बी बाइंग, तो आई एम एक्सट्रीमली पॉजिटिव। और आज के आप देख ही रहे हो, गेनर्स आर मोर रिलायंस एंड एचडीएफसी बैंक एंड टाइटन विच आर पुलिंग द इंडेक्स। अपडेट दे दूं सर, एबी कैपिटल आपका टारगेट हो गया 32.5 का, जीएमआर 48.50, आईएक्स कल दिया था, स्टेट बैंक पीछे 452-55 में कहा था, 485 बिक गया, बैंक ऑफ बड़ौदा 84.5 बिक गया जो 80 में दिया था, कैन बैंक 195 वाला 210 हो गया, एक्सिस बैंक में आउट परफॉर्मर है, और बजाज फिनसर्व। अब आपके लिए दो बाय एक सेल है, आप कहें तो मैं शुरू करूं। जी सर बताएं प्लीज। तो पहला बाय है, जैसे रिलायंस आपने देखा, भारती विल बी द स्टार ऑफ द मंथ ऑफ जनवरी, आई थिंक आरपूज आर गोइंग टू राइज एंड दे आर गेनिंग मार्केट शेयर अक्रॉस द बोर्ड। 700 रुपए में लीजिए, 686 का स्टॉप लॉस, 725 का टारगेट। दूसरा भाई मेरा फेवरेट टाटा पावर, विच विल उसका जो ओडिशा का यूनिट है दैट इज कमिंग एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल, एंड मैक्सिमम आपको पावर जनरेशन वहां से आपको प्रॉफिटेबिलिटी में दिखाएगी। 225-23 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 16-28.5-30 का टारगेट। बेचने में है सर कोल इंडिया, 54 में बेचिए, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 57.50, टारगेट ऑफ 49। ओके, तो अच्छा है, शॉर्ट कॉल भी है कोल इंडिया सर? यस सर, थोड़ा इस भाव में रहज करना है। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। तो एक शॉर्ट कॉल और दो बाय कॉल, भारतीय एयरटेल खरीदे
₹700 के आसपास, 686 का स्टॉप लॉस, 725 के टारगेट। भारतीय एयरटेल के लिए स्टॉप लॉस 686 का कर लें। टाटा पावर 222.50, 223 के आसपास खरीदिए। 216 का स्टॉप लॉस रहिए। 228.50 और 230 दो टारगेट होंगे। और कोल इंडिया 154 में आपको बेचना है, 157.50 का स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट रखना है 149 का, 149 का। एक स्टॉक शॉर्ट साइड पर भी है बसीन साहब की तरफ से। तो ये तीन कॉल्स आपके लिए बेहतरीन आती हुई दिख रही है इस वक्त। तो बसीन साहब की तरफ से ये है सारे के सारे कॉल्स आपके लिए। बिल्कुल, तो बसीन साहब की तरफ से कुछ की तरफ जा रहे हैं। अब एक आध दिन थोड़ी वॉलिटिलिटी रह सकती है, लेकिन आप देख ही रहे हैं बैंक निफ्टी कैसे आउट परफॉर्म कर रहा है, पीएसयूज कैसे चल रहे हैं। कल आपको भारत फोर्ज का था, हिंदुस्तान कॉपर का था, सेल का था, देखिए सब आउट परफॉर्मेंस। एबी कैपिटल, अशोक लीलैंड, ऑल हैव आउट परफॉर्म्ड। एसीसी, अल्ट्राटेक मेरे टॉप परफॉर्मर्स रहे हैं। अब आपके लिए दो बायस हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। बताएं सर प्लीज। तो दोनों पीएसयूज हैं सर, नो ब्रेनर्स, क्योंकि पावर इज इन अ वेरी स्वीट स्पॉट। आरईसी लीजिए, ब्रेकआउट दिया 36-36.5 में, ₹33 का स्टॉप लॉस, 42.5 से ₹43 का टारगेट। और पीएफसी लीजिए 22.5-23 में, ₹20 का स्टॉप लॉस, 28.5 का टारगेट। ओके, तो ये है आपके लिए आरईसी और पीएफसी, दोनों ही भाई भाई खरीदारी करने की राय आती हुई दिख रही है। आरईसी ₹135 के स्टॉप लॉस के साथ आपको खरीदना है, टारगेट 142.50 और 143 का लगाना है। 137 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और पीएफसी 122.50 के आसपास खरीदना है, 120 का स्टॉप लॉस लगाना है और यहां पर भी करनी है खरीदारी। तो दोनों ही पावर रिलेटेड सरकारी कंपनियों में खरीदारी करने की राय बसीन साहब की तरफ से। धन्यवाद बसीन साहब ये दो बेहतरीन पिक्स देने के लिए और देखे के लिए। ये है, आइए बसीन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं सर।